ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने एक पूरा शॉर्ट में पिक्चर देखा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा था कि मिडाइवल हिस्ट्री का जहाँ से एंड होता है वहीं से आपके टॉपिक्स की शुरुआत होती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कब होता है, 1600 में, जब हमारे यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। शुरुआती दौर में जब ये लोग आए हैं किस पर्पज़ से आए, ट्रेड के पर्पज़ से आए, बट धीरे धीरे ये लोग अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को क्या करेंगे, एनेक्स करेंगे, जीतना चालू करेंगे, वहाँ पर अपना रूल लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो 1600 से जो आप रूल देखोगे उसे किसका रूल बोलोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। एंड आने वाले समय में ये जो रूल है वो चेंज हो जाएगा, तो आप इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी बोल सकते हो या फिर कॉलोनियल रूल भी बोल सकते हो, कि आज की डेट में आप किसी की क्या बन चुके हो, कॉलोनी बन चुके हो। बट क्या आते से इन्होंने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं। तो एक टाइम पीरियड आएगा जब ये मेजर मेजर स्टेट्स को कॉन्कर कर लेंगे अराउंड 1818, एंड तब से हम बोलेंगे इंडिया में कॉलोनियल रूल की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। बट कॉलोनियल रूल में भी किसकी शुरुआत हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट अब तुम सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड। शुरुआत में जब ये कंपनी बनी थी तब इसे कितने साल का टाइम पीरियड दिया गया था, 15 ईयर्स। बट आने वाले समय में इनकी जो मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड कर दी गई फॉर इनडेफिनाइट टाइम, कि ठीक है अब आप जो है अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक इंडिया में रुक सकते हो। फिर हमने देखा अब इन्हें परमिशन मिल गई, ये इंडिया में मौजूद हैं, अब धीरे धीरे करके स्टेट्स को टारगेट करेंगे, जिसके चलते फर्स्ट स्टेट मंथन कौन सा टारगेट किया था, बंगाल। वेरी गुड, कौन सा स्टेट टारगेट हुआ, बंगाल। फिर बंगाल में इन्होंने देखा कि यहाँ पर किसका रूल चलता है, यश नवाब्स का रूल चलता है। तो शुरुआती दौर में इन्हें समझ में आया कि मुगल्स ने एक अथॉरिटी बिठा रखी जिसे हम क्या बोलते हैं, नवाब। तो इन्होंने देखा कि बंगाल के अंदर नवाब का रूल है, तो अगर हमें बंगाल को एनेक्स करना है तो वहाँ से नवाब्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसी के चलते इन्होंने बंगाल में दो बैटल फॉट किए, जिसमें फर्स्ट कौन सा है, बैटल ऑफ प्लासी, कब हुआ है, 1757। फिर उसके बाद 1764 में कौन सा बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। दो बैटल लड़े मात्र और बंगाल को इन्होंने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। अब धीरे धीरे इनके एम्बिशंस और ज़्यादा हाई होंगे, यहाँ पर जो ऑफिसर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, तो उसने ऑलरेडी इनके एस्पिरेशंस बहुत हाई सेट कर दिए थे, कैसे स्टेट को भी एनेक्स कर लिया एज वेल एज मनी के अधिकार भी उसने यहाँ पर ले लिए थे। अब धीरे से इन्हें दिखता है कि नीचे की ओर पर एक स्टेट और है, उस स्टेट का नाम क्या है, मैसूर, कि मैसूर नाम का जो स्टेट है वो यहाँ पर बहुत ही वेल्दी है, रिच प्रोविंस है, तो इसे भी टारगेट करना चाहिए। बट इन्हें समझ में आया कि यहाँ पर एक रूलर रूल करता है, उसका क्या नाम है, हैदर अली। हैदर अली के साथ इन्होंने बैटल्स करे, मतलब मैसूर के साथ इन्होंने बैटल करे, तो इसे हिस्ट्री में आप किस नाम से जानोगे, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो वर्ड किसको डिनोट करता है, ब्रिटिशर्स को डिनोट करता है। ईयर देखो कौन सा ईयर है, 1766। यहाँ पर क्या होगा आपका, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, हैदर अली के साथ इनका बैटल हो रहा है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली की जीत हुई थी और ब्रिटिशर्स की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो इससे उनका गुस्सा और भी ज़्यादा प्रवोक हो गया, उन्हें समझ में आया हैदर अली को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। बट जब ये यहाँ पर इस तरीके के इश्यूज क्रिएट करते थे तो सभी जगह पे प्रॉब्लम करते थे। इसी बीच इन्हें ऊपर की ओर देखने को मिलेगा कि एक स्टेट और है जिनका नाम क्या है, मराठास। तो आने वाले समय में कुछ ही सालों बाद 1777 में एक आपको उनके साथ वॉर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंग्लो मराठा वॉर। ओवरऑल आपको ये समझना है कि मैसूर और मराठा से वॉर कैसा चल रहा है, पैरेलली चल रहा है, साथ में चल रहा है, कि इधर मैसूर से लड़कर आए और फिर किसके पास चले गए, मराठास के पास चले गए। मराठास के पास गए, उनके साथ फाइटिंग वगैरह करी, देन उनसे डील कर ली कि ठीक है तुम्हारा हम नुकसान नहीं करेंगे, बदले में हमें हैदर अली को हराने में मदद करना, क्योंकि फर्स्ट वॉर के अंदर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया था, हरा दिया, मराठा से प्रॉमिस लिया। एंड यहाँ पर 1780 में क्या करा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब मैसूर से फिर से फाइट करी, बट इस बीच एक इवेंट हो जाता है, हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस वॉर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर फाइनली टाई हो गया, कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं निकल पाया। तो क्या वो मैसूर को एनेक्स कर पाए, नहीं कर पाए, अभी भी उनका एम्बिशन जो है इसी के लिए रहेगा। फिर 89 में आपको देखने को मिलेगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इस वॉर को जो डील कर रहा था, हैदर अली का बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। वेरी गुड, टीपू सुल्तान ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को भी लीड करा था, बट टाई हो गया था, एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को भी क्या करा, लीड करा।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये हुआ कि टीपू सुल्तान की क्या हो गई, डिफीट हो गई। डिफीट हो गई, एज ए रिजल्ट उससे हरजाना मांगा गया। अभी यहाँ पर जो मैसूर है वो कम्प्लीटली एनेक्स नहीं हुआ, किसी तरीके से नेगोशिएशंस हुए, ट्रीटी हुई एटसेट्रा। एंड टीपू सुल्तान को बोला गया आपको हमें इतने करोड़ का कंपनसेशन देना है। उसने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोले कितना पैसा है? उसने बोला जो कुछ भी आप डिमांड कर रहे हो उसका कितना परसेंट दे सकता हूँ? 50%। बोले ठीक है 50% दो, एंड बचे हुए 50% के बिहाफ पे आपके दो बेटे हैं, दो सन हुआ करते थे उनके, उनको क्या बना लिया गया? हॉस्टाइल बना लिया गया या फिर बंदी बना लिया गया। इंटरनेट पे इसका फोटोग्राफ तुम लोग देख सकते हो कि कैसे टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को। तो इस तरीके से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का क्या हुआ, टीपू सुल्तान की डिफीट हो गई। बट क्या मैसूर अभी भी कंप्लीट इनके कंट्रोल में आ गया? नहीं आ गया। उसी बीच आपको देखने को मिलेगा 1798 में ब्रिटिशर्स को शक रहता है कि टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच के साथ मिलकर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है षड्यंत्र रच रहा है। उस समय फ्रेंच में अगर इन्हें किसी से खतरा था तो वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा जो है उस समय मिशन पे निकला था एंड हर ब्रिटिश कॉलोनी को जो है वो जीतता जा रहा था। और इंडिया भी किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर वो इंडिया में आ गया तो ये इंडियंस क्या ब्रिटिशर्स को लाइक कर रहे हैं? नहीं, तो वो इनके साथ हाथ मिलाएंगे और यहाँ पर किसे हरा देंगे? ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। इस चीज़ में भी देखा जाता है कि टीपू सुल्तान ने उस समय नेपोलियन बोनापार्टा को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मदद मांगी थी, और ये बात किसको पता चल गई थी? ब्रिटिशर्स को। एज अ रिजल्ट उन्होंने मौका देखते हुए 1798 में क्या कर दिया? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पर टीपू सुल्तान को जान से मार दिया जाता है और मैसूर को क्या कर लेंगे? कंप्लीटली एनेक्स कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले दो बैटल में किसका काम क्लोज हुआ? बंगाल। फिर धीरे से क्या टारगेट हुआ? मैसूर। मैसूर का काम जो है वो कितने वॉर में हुआ? चार एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। एक एक करके हम सभी को डिटेल्स में भी देखेंगे। फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से मैसूर क्या हो गया? एनेक्स हो गया। अब एक पोर्शन था जिसको इन्होंने वीक कर दिया था, वो कौन सा पोर्शन है यहाँ पर? मराठास वाला। कि 1777 में मराठास के साथ भी इन्होंने क्या कर लिया था? वॉर कर लिया था। तो बढ़ेंगे आगे टारगेट की ओर और देखेंगे इंडिया में मराठाओं का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यस। मराठास का क्या इशू था? क्या होता था, जो मैसूर की टेरिटरी है इस पर मराठास जो है बार बार अटैक करते रहते थे, तो यही सब रहता था कि आपको जो बदले में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इन्हीं के चलते। प्लस मराठाओं में एक कारण और रहा है कि उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा रहे, इस वजह से भी इनका कोई कंक्लूजन एज सच निकल नहीं पाया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, फिर 1799 में क्या हुआ? फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और वहाँ पर एक इंडियन डायनेस्टी को ही बिठा दिया गया जिसका नाम क्या था? वोडेयार डायनेस्टी। फिर हमने देखा अभी इनका टारगेट कौन छूटा हुआ था? मराठास, जैसे आप लोग अपने सिलेबस में सेग्रीगेट करते हो ना वैसे उन्होंने किया कि 1803 में फिर अब इन्होंने अप्रोच करा टूवर्ड्स मराठा और इनके साथ क्या फाइट करा? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। मराठा को काफ़ी वीक कर दिया। फाइनली समय आता है 1817, जब तक मराठा जो है बिल्कुल तबाही के कगार पे पहुंच जाते हैं। एंड कौन सा वॉर होता है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंड मराठास का चैप्टर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। मराठास में एक पोजीशन चलती थी, क्या नाम था? पेशवा। अब क्या होता था मराठाओं के वॉर के पीछे, इनके हारने के पीछे आपको रीज़न यही देखने को मिलेगा कि इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत सारे थे। ये पेशवा की पोजीशन के लिए बहुत लड़ाई होती थी और इनके बीच में एक आदमी था बाजीराव नाम का। वो बाजीराव जिसको आपने हीरो देखा है वो तो रियल मैप मेकर था, उसके बाद एक और आएगा बाजीराव सेकेंड, वो यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बाजीराव फर्स्ट जो था उसने तो यहाँ पर मैप को बनाया था बट बाजीराव सेकेंड ने पूरा बर्बाद करके रख दिया था। तो उसने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ कई सारे डीलिंग्स कर ली थी जिसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एंड एट दी एंड मराठास का क्या हो गई? हार हो गई। एंड मराठा नाम का भी जो स्टेट था या पर्टिकुलर महाराष्ट्र डेक्कन वाला पोर्शन वो किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि तुम किसी अपने फ्रेंड को या हिस्ट्री में क्या हुआ तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कोई आया एक 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 करके अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करते जा रहा है। दो स्टेट हो चुके हैं, बताओ कौन से? मैसूर और तीसरा मराठास। एग्जैक्टली अब इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो बंगाल मतलब उस समय का काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था। तो ये तो हो गया बंगाल वाला पोर्शन, उसके बाद हमने देखा नीचे मराठास हो गए, देन इधर सॉरी नीचे मैसूर और ऊपर मराठा, मतलब इतना सारा पोर्शन किसके अंडर में आ गया है? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया है।
तो आप बोल सकते हो कि 1818 का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर किसका एंड हुआ था, मराठा एम्पायर का एंड हुआ था एंड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 1818 में जब यहाँ पर मराठास का चैप्टर क्लोज हुआ वहीं से इंडिया में किसकी शुरुआत हो गई, कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा मतलब वही कि आप किसी की कॉलोनी अब यहाँ पर बनने वाले हो। डायरेक्टली 1600 से तो बन नहीं गए क्योंकि तब तो वो ट्रेडिंग कर रहे थे, दूसरी चीज़ें धीरे धीरे कर कर जब उन्होंने इंडिया को जीतना चालू करा मतलब अब इंडिया उनकी क्या बन चुका है, कॉलोनी, और यहीं से किसकी शुरुआत हुई है, कॉलोनियल एरा। और कॉलोनियल एरा में भी किसकी शुरुआत हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखी है, द कॉलोनियल एरा स्टार्टेड विद द ब्रिटिश टेकिंग कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एंडेड विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947। यहां से शुरुआत होगी और कहां तक चलेगा, 1947 तक। अब क्या चीजें होती है, तो मैंने आपको बताया था कि मेजरली इन्होंने वॉर्स कर करके कई सारे एरिया जो है वो कैप्चर कर लिए, बट आने वाले समय में इन्हें समझ में आया कि सिर्फ लड़ने झगड़ने से बात नहीं चलेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। उसी के चलते भी ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी जो है वो इंडिया में प्ले कराएंगे, जिसमें फर्स्ट पॉलिसी हमने कौन सी देखी थी, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो है वो 1799 में वेलेजली लेकर आया था, जिससे इंडियंस के आर्मी रखने के अधिकार छीन लिए गए थे। तो इससे भी कई सारे राज्य जो हैं वो किसके कंट्रोल में आ गए थे, ब्रिटिशर्स के। फिर हमने देखा आने वाले समय में 1854 में एक पॉलिसी और आएगी, कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, उससे अगर किसी का लीगल वारिस नहीं है जो मेल कैंडिडेट हो तो उसके राज्य को भी क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। तो ये तो कई सारी पॉलिसीज हो गई जिससे इन्होंने इंडिया के एरिया को क्या कर लिया, अपने अंडर में करा। अब उसके अलावा सोसाइटल बेसिस पे भी इनके कई सारे इवेंट्स हुए हैं जिससे इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। जैसे कि 1829 में इन्होंने एक स्टेप लिया था जिसका नाम क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ सती। इन्होंने देखा है इंडिया में एक प्रैक्टिस चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सती सिस्टम। मतलब अगर कोई आदमी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उसी के साथ क्या कर देंगे, जला देंगे। इसे क्या बोलते थे, सती प्रथा। उसके पीछे हमारे कई सारे बिलीव्स होते थे, ऐसा माना जाता था कि अगर उसकी वाइफ भी उसके साथ जाती है, वाइफ को भी पुण्य मिलता है और पूरे परिवार को भी क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, और जाने वाले के भी मजे रहते, सब बढ़िया रहता है। तो इसके कारण क्या होता था, राजा महाराजा कई सारी छोटी उम्र की लड़कियों को परचेज करके लाते थे ताकि जब वो एक आदमी मरेगा तो उसके साथ कितनी सारी लड़कियां जो है वो जलाई जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पुण्य, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था। सो फाइनली 1829 में ब्रिटिशर्स ने इसे क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन किया था। किसने बैन किया था, विलियम बेंटिक ने किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन रॉय। तो 1829 में आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ क्या हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ सती। अब उसके बाद का बात करते हैं, तो सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, 1829 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जैसे कि हमारे यहाँ विडो रीमैरिज एक्ट आया था। विडो रीमैरिज क्या होता है, बिल्कुल रीमैरिज मतलब यही किसी की दो बार शादी हो रही है, बट कब, जब पहली बार वो विधवा हो चुकी है या फिर उसके हस्बैंड की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता था जो विडो हो जाती थी उसको सोसाइटी से पूरा का पूरा सेपरेट कर देते थे, वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने होते थे या फिर खाना उसको बिल्कुल सिंपल दिया जाता था, उसको बिल्कुल ज़मीन पे सुलाया जाता था, उसके जो हेयर हैं वो शेव कर दिए जाते थे। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी एंड अचानक से यहाँ पर आकर ब्रिटिशर्स ने नया कानून ला दिया कि वो लोग भी क्या कर सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती है। तो हाँ, उनका भी इसके अंदर रोल रहेगा, ये विडो रीमैरिज एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट जब आया यहाँ पर, तो ये हमारे इंडियंस को एक तरीके से सोसाइटी में इंटरफेरेंस लगा कि आज हमारे कुछ बिलीव्स हैं, आज हम लोग मानते हैं कि हम बच्चे हमें मंदिर जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कल को आकर कोई नया कानून ला दे तो तुम्हारी भावनाओं के साथ ये छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर भी लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हो रहे थे। सो यहाँ पर एक विडो रीमैरिज एक्ट वाला किस्सा हो गया। उसके अलावा एक नया कानून और लाया गया था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब इसके अंदर ये हुआ कि धर्म के नाम पर अगर कोई परिवर्तन करता है तो भी उससे उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं छीने जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ होता था कि ठीक है भाई सेम ही धर्म में है तो प्रॉपर्टी जो है वो आगे जाके ट्रांसफ़र होती जाती थी, बट ये क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। क्या लेना देना इनका क्रिश्चियनिटी से,
बिल्कुल, ब्रिटिशर्स खुद कौन है, क्रिश्चियन है, तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज भेजी जाती थी, वहाँ से उनके जो भी पॉप या सेंट वगैरह होते थे पूरा एक मिशनरी लेके आते थे अपने साथ, पूरा एक ग्रुप लेकर आते थे, और उन लोगों का काम होता था लोगों के अंदर अपने धर्म को प्रीच करना और हिंदू लोगों को किस में कन्वर्ट करना, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना। तो अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए गए लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, जिसके अंदर यही हुआ, यहाँ पर बोला गया कि अब अगर आप कन्वर्ट कर भी लेते हो तो भी प्रॉपर्टी से आपके अधिकार नहीं छीनेंगे। तो इस तरीके से समाज में रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मानी जाती थी, जैसे कि ऐसा बोलते थे अगर कोई समुद्र को क्रॉस कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। बट इन्होंने क्या करा, अब ये तो हर देश में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, तो ये लोग हमारे जो सोल्जर्स होते थे उनको अलग अलग देशों में भेजते थे, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सी को क्रॉस करना पड़ेगा, उसे बोलते थे समुद्र उल्लंघना। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को प्रमोट किया गया। अब इससे क्या हुआ, आदमी मजबूरी में चला तो गया कि चूंकि आज वो गरीब हो गया है, बट जब वो रिटर्न आता था तो उसकी सोसाइटी उसको जो है बॉयकॉट कर देती थी, फैमिली को भी घर से निकाल दिया जाता था, गाँव से निकाल दिया जाता था, इसी कारण कि उसने समुद्र क्रॉस कर लिया है तो उसका क्या हो गया है, धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हुआ करती थी जो कि 1857 के पहले हुई है, जिसमें हमने मेजर इवेंट में क्या देखा, प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो इन सब चीज़ों के गुस्से के कारण आने वाले समय में 1857 में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसी को क्या बोलोगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो टाइमलाइन में फिर नेक्स्ट चीज ये हुई, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब 1857 में रिवॉल्ट हो गया तो इन्हें समझ में आया अगर आज रिवॉल्ट हुआ है तो ये भविष्य में भी हो सकता है, तो इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको इनके आपस के इंटरनल अफेयर्स में या आपस के लड़ाई झगड़े में ही उलझा दो। एंड यहीं से इनकी प्लानिंग होती है कि लोगों के लिए एक पॉलिसी लानी है जिसे हम बोलेंगे डिवाइड एंड रूल। तो अभी तक क्या हुआ, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस समय उसमें हिंदुओं ने भी भाग लिया था और मुस्लिमों ने भी भाग लिया था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 1857 का लीडर जिसे घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर, वो खुद कौन था, एक मुस्लिम था, एंड जनता जो लीड कर रही थी उसमें मैक्सिमम हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अभी तक यहाँ पर जो है इनको एक मैसेज देखने को मिला। सो नाउ दे डिसाइडेड कि अब हमें डिवाइड एंड रूल करना है, इन लोगों को डिवाइड करो तभी इन्हें तोड़ पाओगे और इनको रूल कर पाओगे, और आपस में ही एक दूसरे से इन्हें भिड़ा दो। तब उसी से इनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो ये कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करना, और यहीं से मॉडर्नाइजेशन का दौर जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। सो फाइनली 1885 का समय आता है जब हमारे यहाँ किसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक तरीके का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आप इसको एक तरीके का राजनीतिक मंच बोल सकते हो, कि जहाँ पर लोग जाकर अपनी भड़ास निकालेंगे और अपनी बात को किसके सामने रखेंगे, ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। सो फाइनली 1885 में किसकी नींव रखी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब इसके अंदर जिन लोगों को बुलाया गया, बहुत चुनकर बुलाया गया था, तो इन्होंने जरा प्रीवियस बैकग्राउंड में जाकर देखा कि थोड़े समय पहले ही हिस्ट्री में क्या हुआ है, 1857 का रिवॉल्ट हुआ है। तो इन्होंने इसके अंदर स्क्रीनिंग करी कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और वो कौन लोग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इनको ये समझ में आया कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब उनको कॉन्फिडेंस में लेने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि सोसाइटी में ऐसे जो भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े सभ्य हैं, समझदार हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके फेवर में हो सकते हैं, उन सभी को बुलाया जाए और क्या फॉर्म किया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड जितनी भी भड़ास निकालनी होगी ये लोग यहीं पर निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर ये इवेंट होता है। फिर आने वाले समय में 1915 में आपको देखने को मिलेगा होम रूल लीग मूवमेंट, इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये भी एक अलग से आपका टॉपिक रहेगा। अब क्या हुआ, इनको समझ में आया जो इंडियन आज तक बिल्कुल नादान थे, मासूम से थे, अब वो तो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग गए, ऐसे कैसे काम चल पाएगा। तो इन्हें शक हुआ कि अब क्या होने वाला है, इसी समय हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ है, बताओ क्या, ये जो 1915 वाला से 1919 वाला टाइम पीरियड है वर्ल्ड में, कब से कब हुआ, 1914 से 1918। तो इन्हें ये शक था कि इंडिया जो, इंडियंस जो है वो इनके अपोजिशन वालों के साथ जाकर न मिल जाए, तो शक के आधार पर ये इंडिया में कानून लेकर आ गए, और उस कानून को लाया गया 1919 में इन द फॉर्म ऑफ रॉलेट एक्ट।
तो इनको ऐसा लगता था कि इंडियंस के मन में इतना गुस्सा भरा हुआ है या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई है तो इसके कारण कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते, षड्यंत्र कर सकते। तो इसी के बेसिस पे ये 1919 में कानून ले आते हैं जिसका नाम रहता है रॉलेट एक्ट, और इसी को बोलते हैं ब्लैक एक्ट। इसके अंदर शक के आधार पर किसी को भी पुलिस उठा सकती है और उठाकर डायरेक्टली कहाँ डालेगी, जेल में डालेगी। जनरली प्रोसीजर विदाउट, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर किसी तरीके का कोई ट्रायल नहीं होगा। इसको हिंदी में यही बोलते हैं, ना दलील, ना वकील, ना अपील। ना तो आप अपने लिए दलील कर सकते हो, कोई सफाई पेश कर सकते हो, मौका ही नहीं मिलेगा, ना ही खुद के लिए वकील अपॉइंट करोगे और ना ही वकील आपके बिहाफ पे किसी तरीके की अपील करेगा। जनरली ये प्रोसीजर होता है, किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, फिर वहाँ से उसका डिसीजन निकलता है ये जेल जाएगा नहीं जाएगा, जो भी होगा। बट इसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को टोटली बाईपास कर दिया। इसके अंदर ये हुआ, डायरेक्टली पुलिस आपको शक के आधार पर उठा लेगी, मतलब अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट कर कहाँ डाल देगी, जेल में डाल देगी, और जेल में ही आपका डिसीजन हो जाएगा, वहीं पर आपको जो है सजा सुना दी जाएगी। तो इस तरीके के कानून को क्या बोला गया, रॉलेट एक्ट, या इसी का दूसरा नाम दिया गया ब्लैक एक्ट, काला कानून। तो क्या ये पब्लिक को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी चीज़ का विद्रोह करने के लिए इस समय तक गांधी जी भी इंडिया में आ चुके थे 1915 में। तो इसी कानून का विरोध करने के लिए कि ऐसे करके तो आप सारे इंडियंस को जेल में डाल दोगे, आपने लोगों से उनके बोलने का अधिकार ही छीन लिया है। सो फाइनली 1919 का ही टाइम रहता है, 13 अप्रैल का दिन रहता है, वैशाखी का फेस्टिवल रहता है। यहाँ पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो है वैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो क्या शक है कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर जो ऑफिसर लीड कर रहा होता है जनरल माइकल ओ डायर, वो ओपन फायर के आदेश दे देता है कि जो भी ग्रुप में दिख रहा है इनको सीधे क्या कर दो, शूट कर दो। तो इस वजह से कई सारे लोगों की इसमें क्या चली गई, जान चली गई। क्या वो कोई कॉन्स्पिरेसी करने आए थे, नहीं करने आए थे, वो तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल, कई सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उस समय दो इवेंट हुए थे, एक तो ये वैसाखी वाला मामला हो गया, और दो इम्पॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो दो इम्पॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, और कहाँ ले गए थे इसकी कोई खबर ही नहीं थी। तो देश में पूरी सनसनी फैल गई थी, लोग इकट्ठा हुए, एंड फाइनली यहाँ पर ओपन फायर के आदेश हो गए। और इसी को क्या बोलते हैं, मैसकेयर एट जलियांवाला बाग, या फिर बोल सकते हो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, जिसमें लोगों को बुरी तरीके से मार दिया गया हो। अब ये कब हुआ, 1919 में। इसके अंदर जनरली जो कम्युनिटी इन्वॉल्व थी उसका नाम क्या था, हिंदू। और उसी समय वर्ल्ड में एक इवेंट और हो जाता है कि 1914 से 1918 तक तुमने क्या देखा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जब एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स की जीत हुई, एंड टर्की की क्या हुई थी, हार हुई थी। और टर्की में होता था ऑटोमन एम्पायर, याद आया हमने पहले भी पढ़ा है, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। वहाँ पर एक मुस्लिम पोस्ट चलती थी जिसको बोलते थे खलीफा या फिर कैलिफ। तो ब्रिटिशर्स ने यह करा था कि चूंकि टर्की हार गया था तो उनको बोला था आज से यहाँ पर खलीफा या फिर कैलिफ का रोल ओवर, जो कि मुस्लिम के एक सबसे बड़े गुरु के रूप में जिनको देखा जाता था। तो उससे मुस्लिम कम्युनिटी क्या हो गई थी, हर्ट हो गई थी। तो वर्ल्ड में मुस्लिम के लिए हुआ और इंडिया में किसके लिए हुआ, हिंदुओं के लिए हुआ, और दोनों के ही दुश्मन कौन है ओवरऑल, ब्रिटिशर्स। तो उसी के चलते 1919 में गांधी जी ने दोनों मूवमेंट को क्लब करा और एक कॉमन मूवमेंट चलाया जिसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट, कि हम आपके खिलाफ हैं। कौन कौन खिलाफ है, हिंदू प्लस मुस्लिम, गॉट इट। एंड नेक्स्ट आपको पता ही है जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड तीसरा रॉलेट एक्ट, तीनों बता दिए मैंने आपको, ठीक है। 1919 तक ये सब चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी तो फाइनली डिसाइड होता है, ये कहाँ तक है, 1919। चलो, हाँ, टू ब्रदर्स थे उसके अंदर, अली ब्रदर्स, ठीक है। सो 1920 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो गई, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, और ये सभी कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं गांधी जी बिल्कुल मूवी के अंदर एंट्री लेते हैं और एज अ हीरो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे 1920 में एक मूवमेंट जिसका नाम क्या रहेगा, NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके से कॉपरेट करने वाले नहीं हैं, उनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे।
जैसे कोर्ट होता है तो कोर्ट के अंदर जो सबसे नीचे अथॉरिटी होती है उसको बोलते हैं बाबू, जो यहाँ पर वो बाबू सोना वाला नहीं, बाबू जो कागज को इधर से उधर करता है या इन्फॉर्मेशन देता है। तो उन्होंने सर्विस देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अगर धोबी है तो धोबी ने कपड़े धोने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अगर किसान है तो उसने अन्न उगाने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने मिलकर एक ग्रैंड लेवल पर क्या स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन, कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एनी मोर। सो 1920 में क्या डिसाइड हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हो गया आपका, ये यार गलत लिखा गया है, CDM जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आने वाले समय में आपको ये मिस प्रिंट हो गया, जस्ट अ सेकेंड। सो 1920 में तुमने क्या देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको यहाँ लिख देती हूँ, कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, कोई भी मूवमेंट एक ही शर्त पे चलेगा कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। बट क्या है, जनता इतना भड़क गई है कि अब उसके अंदर पेशेंस नहीं रखा जा सकता है। तो एज ए रिजल्ट अगले 2 साल बाद ये मूवमेंट चल ही रहा था। 1922 में क्या होता है, यूपी के गोरखपुर में एक जगह रहती है जिसका नाम रहता है चौरी चौरा। चौरी चौरा नाम की एक जगह रहती है जहां पर गुस्से में पब्लिक एक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कर देती है, आग लगा देती है। अब देश में क्या चल रहा है, मूवमेंट, एंड यहां पर पब्लिक ने कैसी एक्टिविटी कर दी, वायलेंट एक्टिविटी। एंड पुलिस थाने में जिसमें आग लगाई गई वो सभी कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो यहाँ पर 1920 के अंदर जब ये हरकत हुई तो गांधी जी ने गुस्से में आकर NCM को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। गांधी जी ने NCM को यहाँ स्टॉप कर दिया। अब पब्लिक जो है वो भी गुस्सा हो गई कि अगर हरकत कहाँ पर हुई है, यूपी में, और ये मूवमेंट कहाँ चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में चल रहा है। तो लोगों का कहना था, भाई अगर कोई चीज़ जो है वो कश्मीर में हुई है तो कन्याकुमारी वाले को आप किस तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि इंसिडेंट एक जगह हुआ है तो सबको पनिश करने की क्या ज़रूरत है। रीज़न, मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है, 1920, और ये कौन सा साल है, 1922। मतलब दो दो साल तक, तीन तीन साल तक लोग जो हैं अपना काम काज, अपनी रोजी रोटी छोड़कर किस में लगे हुए थे, मूवमेंट में। एंड गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं NCM को पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ या फिर एंड कर रहा हूँ। तो लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। मतलब अभी गांधी जी जनता के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। लोग उनको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलेगा, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को समझ में आया, अरे वाह, लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो एज अ रिजल्ट 1924 में गांधी जी को, सॉरी 1922 में ही करेंगे ये इवेंट होगा आपका, फरवरी में और मार्च में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो 1922 में ही उनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, और 6 साल के लिए कहाँ भेज देंगे, जेल में। 6 साल के लिए जेल में भेजेंगे, बट ड्यू टू हिज इल हेल्थ 1924 में वो कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। गांधी जी कहाँ आ गए, बाहर आ गए, रिटर्न। अब वापस से अपने को एक्टिव होना है, थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बनना है। अब देखते हैं फिर फ्यूचर में क्या इवेंट्स होंगे। तो 1927 के अंदर एक कमीशन आता है इंडिया के अंदर जिसका नाम क्या रहता है, साइमन कमीशन। इस बीच हिस्ट्री में और भी कई सारे इवेंट्स हुए, बट लोगों को सांत्वना देने के लिए बोला गया कि ओके, आपके लिए एक कमीशन भेजा जाएगा 7 मेंबर्स को बिठाकर, जिसका नाम क्या रहेगा, साइमन कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन। और बोला वो आके चेक करेंगे कि तुम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अधिकार देने के लायक हो या नहीं हो। ये चेक करने के लिए कमीशन भेजा जिसका नाम क्या है, साइमन कमीशन। अब यहाँ पर फैसला किसके हक में देना है, बोलो, इंडियंस के। बट फैसला देने वाले सभी के सभी कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो क्या इंडियंस भरोसा करेंगे इस बात पे, नहीं। इसी बात का यहाँ पर विरोध किया जाता है, इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं। वाइट मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को। किसके अंदर जितने भी मेंबर थे वो सभी कौन थे, अंग्रेज थे। एंड चूंकि इसके अंदर एक भी कोई नहीं इंडियन था, तो इंडियंस ने इसका क्या करा, भर भर के प्रोटेस्ट करा। एंड उसी प्रोटेस्ट में एक लीडर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रोटेस्ट कर दिया, जिनका नाम क्या था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करा, एंड पुलिस ने गुस्से में आके क्या कर दिया, लाठी चार्ज। और उस लाठी चार्ज में से एक लाठी यहाँ पर किसके सर पे लग जाएगी, लाला लाजपत राय के सर पे लगेगी। एंड 1928 में उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब एक मेजर लीडर का क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर बहुत दिन हो गए, शांति हो गई, सब चीज़ें चल रही है, इस बीच और भी छोटे छोटे इवेंट्स हैं, हम मेजर इवेंट्स देख रहे हैं। फाइनली फिर से कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो क्या होता था, गांधी जी को समझ में आया अब लोगों को मुझे वापस से जोड़ना है।
तो कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो अमीर के भी काम आती हो और गरीब के भी काम आती हो, जिसमें कोई भी सेपरेशन ना हो। तो इनको ऐसी चीज समझ में आई कि ऐसी एक चीज कौन सी है, नमक, सॉल्ट, जिसको अमीर भी खाएगा और गरीब भी खाएगा और कोई इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। एंड हमारे यहाँ उस समय नमक बनाने पर लगता था टैक्स। तो गांधी जी को समझ में आया क्यों ना इस मुद्दे को उठाऊं तो सारी पब्लिक मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो 1930 में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया जिसको क्या बोला गया, दांडी सॉल्ट मार्च। इसके अंदर जो है पूरी यात्रा निकाली जाती है जिसे बोला जाता है दांडी यात्रा। शुरुआत में जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम फॉलोअर्स थे। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा मेरे पीछे तो पूरा का पूरा काफिला खड़ा है। तो दांडी मार्च जो है वो एक यात्रा करी गई थी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। समझ में आया, सॉल्ट से रिलेटेड मुद्दा है और उसके लिए क्या किया, दांडी मार्च। बट गांधी जी ने देखा मैं तो कुछ लोगों को लेकर चला था बट मेरे पीछे तो पूरी की पूरी क्या लगी है, भीड़ लगी है। तो इस भीड़ को वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उपयोग करना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट 1930 में उन्होंने बोला ठीक है इस भीड़ का उपयोग करते हैं, एक नया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि दांडी मार्च और CDM सेम है बट ऐसा नहीं है। दांडी मार्च किससे रिलेटेड है, सॉल्ट से रिलेटेड, नमक कानून। बट वहां गए तो इतनी भीड़ थी कि उन्होंने नया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या मतलब होता है इसका, डिसओबीडियंट का नहीं मानना। बिल्कुल, एक होता है योर ओबीडियंटली, जो आपकी आज्ञा का पालन करेगा, एंड डिसओबीडियंट मतलब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। जो भी तुम बोलोगे हम उसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर मूवमेंट लॉन्च होता है CDM, एंड यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जो बोला था उन सब का अपोजिट करना जो है इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया। कौन से ईयर तक आ गए हम, 1930। अब देखते हैं भाई 1930, उसी बीच हिस्ट्री में एक इवेंट और होता है, गांधी इरविन पैक्ट, जिससे भगत सिंह को क्या दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। एंड फाइनली फिर आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह देखने को मिलेगा 1930, 31, 32 एट्सेट्रा। फिर एक मेजर इवेंट कब होता है, तो वो होगा 1942 में, जब इंडिया के अंदर क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे इवेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो गांधी जी 1942 में एक मेजर इवेंट लॉन्च करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे लोगों को प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, तो वो कभी बोलते थे, शुरुआत में हमारे लोगों ने बोला कि ऐसा करो हमें सिर्फ आपकी गवर्नमेंट में कुछ सीट्स दे दो। फिर सीट्स की लड़ाई चलने लग गई है कांग्रेस के चक्कर में कि यहाँ पर जो है सभी लोग सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। फिर धीरे से हमारे लोगों को समझ में आया तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी गवर्नमेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दे दो। फिर धीरे से लोगों ने बोला सेल्फ रूल दे दो, कि हमें खुद को रूल करने का अधिकार दो। बट बहुत लेट 1942 में समझ में आया कि हम किसी के भी अंडर में क्यों रहे, हम तो इंडिपेंडेंट थे ना। सो 1942 में वी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। फाइनली ये मूवमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होता है, राइज होता है, स्टार्ट होता है, एंड इसके इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ब्रिटिशर जो है उनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये तो क्विट करने को बोल रहे हैं कि भारत को छोड़ ही दो, क्योंकि वर्ल्ड से भी प्रेशर था, वर्ल्ड वॉर टू जो है उस समय छिड़ चुका था, कब से कब तक, यस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, तो उन पर प्रेशर था कि इंडिया को छोड़कर उन्हें यहाँ से जाना है। एंड फाइनली 1946 में कई सारे कमीशन आएंगे जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन रहता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन एट्सेट्रा। अब ये लोग हमारे सामने अलग अलग प्रपोजल बना के भेजते हैं, ये एक्सेप्ट कर लो, ये एक्सेप्ट कर लो, मतलब अदर देन इंडिपेंडेंस सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। बट इंडियंस भी अब अड़ गए कि नहीं हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आज़ादी ही चाहिए। एंड फाइनली 1947 का समय आएगा जब इंडिया को क्या मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट इंडिपेंडेंस तो मिली बट यहाँ पर डिवाइडेशन के साथ मिली कि दो कंट्रीज का क्रिएशन होगा, कौन कौन सी, इंडिया एंड पाकिस्तान। टाइमलाइन समझ में आई पूरी, ठीक है, क्या क्या हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स हुए। अब जितने भी इवेंट्स हमने पढ़े हैं इन सभी को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बट अब तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा अगला क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। गॉट इट, यस। नहीं, नेपाल की अगर हम बात करें अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, छोटा सा, हमेशा से अलग रहा है।